अस्सलाम वालेकुम जी, कहते हैं आप साहब, उम्मीद करता हूँ कि आप साहब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो बात करेंगे जी, जो कल रात को मैच हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बेसिकली वो 10 तारीख को था, तो 10 तारीख से फिर बारिश हो गई, बारिश की वजह से मैच कंप्लीट ना हो सका, तो रिज़र्व डे पे चला गया जो कि कल का दिन था 11 सितंबर का, और मैच कम्प्लीट हुआ जी। तो कुछ छोटे छोटे सवाल या निशान उठाएंगे, एक कंप्लीट बात करेंगे। ये नहीं कि जुमा 8 दिन क्रिकेट देखने और यहाँ पे आके आप लोगों के सामने क्रिकेट का तबसरा करने लग पड़ा, ऐसी नहीं बात है। जब सिमकॉक था, काल वितरना था, उसके बाद अरविंदर डिसिल्वा था, महेला जे वर्धना था, हंस इक्रोनिया था, कोटनी वॉश था, ठीक है, और बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे प्लेयर, ठीक, एंड्री फ्लिंटॉप वगैरह, इनके ज़माने से क्रिकेट देखता चला आ रहा हूँ मैं। पूरा पूरा दिन स्कूल से बंक करके मैच देखता था, तो ये क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ बूझ है, उसी समझ बूझ को आज आप लोगों के सामने रखूँगा कि कल रात हुआ क्या। देखें यार, जो कोलंबो की पिच है, कोलंबो की पिच के ऊपर कौन बंदा नहीं जानता कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर आप एक हिस्ट्री चेक करें तो कोलंबो की पिच के ऊपर जिस कप्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, पहले बैटिंग करने वाली टीम आलमोस्ट 107 से ज़्यादा मरतबा जीत चुकी है, और सेकंड टाइम यहाँ पे बैटिंग करने वाली टीम उसकी हिस्ट्री ख़राब है, ओनली 52 मरतबा जीती है। हिस्ट्री चेक कर लें, 52 से ऊपर आपको मिलेगी नहीं, जो सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम है वो जीती है। भाई हमारी इतनी तगड़ी बैटिंग तो है नहीं, हम खुद इसको मानते हैं कि हम सेकंड टाइम बैटिंग करें और इंडिया जैसी टीम के स्कोर हम लोग चेज कर सकें, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, नंबर एक। नंबर दो, फिर उसके बाद जब आपने बॉलिंग की तो हमारे बॉलरों को इंडियन बैट्समैन ऐसे खेल रहे थे जो कुछ पहले डर के खेल रहे थे, जैसे कोई लोकल टीम के बॉलर 6-4। और फिर उसके बाद हमारी फील्डिंग चेक कर लें, शेनशाह अफरीदी का कैच, माना यार शेनशाह अफरीदी का कैच मुझको था, लेकिन उससे पीछे ना शेनशाह अफरीदी ने जिस दिन मैच छोड़ा था, उस दिन अर्ली ऑन सुबह मैच हुआ था इनका, CPL चल रहा था, जमैका थैले वॉच का और टोबैगो नाइट राइडर्स का मैच था, सॉरी। तो उसमें फेबियन एलन ने एक हाथ से कैच किया था, उतना खूबसूरत कैच किया था भाई दुनिया में। और उसके बाद ये कल भी एक मैच हो रहा था, उसमें एक नया फील्डर आया, उसका मुझे नाम सही से नहीं याद, उसने इतना खूबसूरत बाउंड्री से कैच किया कि हैरान हो जाता है बंदा। तो फिर चेक कर लें, स्लिप वाला कैच चेक कर लें, 2 विकेटों के बाद फिर मैच रुका हो। यहाँ पे श्रीलंकन जो ग्राउंड स्टाफ है कोलंबो का, उसको दाद देनी होगी, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, पूरे ग्राउंड को कवर किए रखा, फिर से मैच शुरू हुआ और कोहली और KL दोनों ने जिस तरह खेला भाई, एक्सीलेंट। सारे इंडिया को, जो इंडियन फैंस हैं, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग डिज़र्व करते हो भाई, इसमें आप लोग जब डिज़र्व करते हो तो डिज़र्व करते हो, उसको मानना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम ने जीता, KL दोनों ने सेंचुरी की, विराट कोहली ने सेंचुरी की, शुभमन गिल ने 50+ स्कोर किया, शर्मा ने 50+ स्कोर किया, हमारे बॉलरों की ऐसी पटाई हुई कि आलमान वाला फीस, बंदा बोल नहीं सकता। फिर उन्होंने बैटिंग की तो ऐसे, यार देखे यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए कि वो पेजेस के ऊपर पाकिस्तान के एक पेसर, उनके पास पेस है, सारा कुछ है, मार पड़ रही, वहीं पे सेकंड टाइम जब इंडिया की बॉलिंग करने हैं तो वही पिच बॉलिंग पिच बन जाती है, उनकी स्विंग बॉल भी निकल रही है, स्विंग भी हो रहा है, सीम भी मिल रही है, सारी पोजीशन मिल रही है, वाई वहाँ पे उनके स्पिनरों को भी टर्न मिल रही है, कुलदीप यादव को टर्न मिल रही है, ठीक है, पांड्या को मिल रही है, शर्मा को मिल रही है, शार्दुल ठाकुर को मिल रही है, यार हमें नहीं मिल रही, कुछ ना तो कुछ है ना। तो भाई देखें कि सारे का सारा चक्कर ये है कि जहाँ तक मुझे पता है, जब जब PCB चेयरमैन साहब हमारे जिस मैच के अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं, हिस्ट्री गवाह है कि पाकिस्तान वो मैच कभी भी नहीं जीता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जब जब भी PCB चेयरमैन साहब, जो भी हुआ है, ये नहीं कि आकाश लोग, जो भी हुआ आए हैं, पाकिस्तान मैच कभी नहीं जीता, ये एक हिस्ट्री गवाह है। और जब मैंने देखा था ना, मेरे पास एक यहाँ पे मैं क्रिकेट का ग्रुप उसमें ज्वाइन हूँ, तो उधर देखा था, जब चेयरमैन साहब को देखा मैंने, उसी वक्त कमेंट किया भाई जी पाकिस्तान मैच हार गए। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बताया था कि यार ये पाकिस्तान मैच नहीं जीते, क्या चेयरमैन साहब बैठे हुए, उनकी मौजूदगी में कभी नहीं कोई खिलाड़ी खेलता। यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ये जो हमारे PCB के करता धरते हैं, यार देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच एक कल्चर से एक छोटा सा मिनी इवेंट होता है, एक छोटा सा कल्चर होता है। जब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, यकीन करें मैं आपको अपनी ज़ात तक बताऊँ, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, पूरा दिन वेट करता हूँ कि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक्साइटेड होता हूँ, घर वालों को बताता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ, छोटी सी पार्टी घर में पक्की कंफर्म अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उसमें हम सारे बैठते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं।
एक छोटी सी एंटरटेनमेंट जो हम लोग इतने अरसे से करते आ रहे हैं, आप लोग वो भी हमसे चेंज हो, वो भी आप लोग पता नहीं क्या कर देते हो क्या नहीं कर देते, पाकिस्तान की टीम खेलती नहीं। तो यार कहाँ का ये है कि आपके 9 खिलाड़ी खेल रहे, दो तो खेले नहीं ना, आरस रोफो नसीम खेले नहीं, एक खिलाड़ी भी नहीं चल सका, एक खिलाड़ी ने भी 50 नहीं स्कोर की इतनी फ्लैट पे, जिसके ऊपर कोहली इतना 140 प्लस के ऊपर जो बॉल आ रही है उसको सिक्स मार रहा है और इनको नज़र ही नहीं आ रही, जो 135 प्लस वाली बॉल है इनको नज़र ही नहीं आ रही। ठीक है, शादाब और इफ्तखार को लग रहे हैं, कुलदीप यादव 5-5 विकेट ले रहे, नहीं लग रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहिए जो पीसीबी के करता धरता हैं, जो हमारे ये बड़े हैं, इनको समझना चाहिए कि यार पाकिस्तानी हो हम अपने सारे काम काज छोड़ के एक इंडिया के मैच के लिए बैठते हैं, और अगर वो भी ये वाला मैच बाहर से फिक्स करवा दें और खिलाड़ियों को बोले आपने नहीं परफॉर्म करना, तो वहाँ पर फिर कैप्टन की कुछ नहीं रहती है। आपको वहीं से समझ जाना चाहिए, जिस पर अगर आप रोहित शर्मा की बात सुने, अभी भी बेशक वो दोबारा टॉस चेक कर लें, रोहित शर्मा यही कह रहा था कि मैं टॉस जीता तो मैं यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करता, तो बात खत्म होगी भाई। शर्मा कह रहा है कि मैं यहाँ पे बल्लेबाजी करता, कितनी आपको स्विंग मिल गई, कितना आपने फ़ायदा उठा लिया। बॉलर हो ना बॉलर, आपकी ताकत है नई बॉल, नई बॉल के ऊपर आकर आप लोग बॉल कराते हो, उसके ऊपर आप विकटें लेते हो, पुरानी बॉल के ऊपर आप लोग विकटें लेते हो ना, नई बॉल के ऊपर विकटें मिली ना पुरानी बॉल के ऊपर विकटें मिली। रिक्वेस्ट यही है कि देखें यार, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के जैसे हालात चल रहे हैं, आप सारे लोगों को पता है कि किस किस्म के हालात चल रहे हैं, उन हालात में यार ये छोटी छोटी खुशियाँ उतार हम लोगों से, छोटी छोटी खुशियाँ ना छीनो, पूरा पूरा दिन ज़ाया करके हम लोग मैच देखते हैं। अब कुछ कहेंगे कि आप क्यों देखते हो, यार एक शौक एक पैशन, हम लोग पाकिस्तानी टीम को फिर भी सपोर्ट करेंगे, कभी इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जो करते रहते हैं इनको देखना चाहिए कि यार हर चीज़ की सौदा कर रहे थे, क्रिकेट करना सौदा क्या करो, ये मजलूम आवाम का एक आखिरी सहारा होती है जिसको वो देख के इन्जॉय करते हैं। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दे, तो जब क्वालिफाई करेगा तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर मिलेंगे फाइनल में और फाइनल मैच अकेले, लेकिन ये पीसीबी की करते दर्शकों से रिक्वेस्ट है, खुदा रहा भाई बाहर से मैच फिक्स करके खिलाड़ियों को ना बोला करो आपने परफॉर्म ही नहीं करना, ज़रूर चेक कीजिएगा जी हिस्ट्री और मुझे भी बताइएगा कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है या सही इन्फॉर्मेशन दी है। जब जब चेयरमैन साहब आए पाकिस्तान मैच कभी नहीं जीता, तो इंडियन फैन को एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक है, आप लोगों की टीम बहुत अच्छा खेली है, चारों प्लेयर आपको बहुत अच्छा खेले हैं, जम के धुलाई के तालियां आप लोगों के लिए और शर्मिंदगी हम लोगों के लिए, जिंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।